गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। LIC में बाहरी एवं ग्रामीण एजेंट भर्ती 6000 हर माह और 25000 से अधिक का कमीशन केवल 280 पद, योग्यता 10वीं पास, उम्र 25 वर्ष से अधिक। जल्द संपर्क करें आशीष जैन भर्ती अधिकारी, मोबाइल नंबर 90980 13 269। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। इस वक्त की बड़ी खबर, सागर लोकल आयुक्त ने की बड़ी कार्रवाई, प्राथमिक शिक्षक अभिषेक जैन रिश्वत लेते गिरफ्तार, 5000 रुपए की ली थी रिश्वत। रिटायर्ड शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद कोरी से मांगी थी रिश्वत, पेंशन प्रकरण तैयार करने और पास कराने के लिए मांगी गई थी रिश्वत। सागर लोकायुक्त की कार्रवाई, आवेदक लक्ष्मी प्रसाद कोरी पिता जानकी प्रसाद कोरी निवासी हटा, दमोह ने शिकायत की थी कि अभिषेक जैन प्राथमिक शिक्षक बाबू कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दमोह के द्वारा रिश्वत मांगी गई है। कार्यालय कलेक्ट्रेट दमोह का गेट जहां रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं कार्रवाई के संबंध में लोकायुक्त अधिकारी व आवेदक का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। बड़ी खबर, जहाँ शिक्षा जगत में हड़कंप है, लोकायुक्त की कार्रवाई, 5000 रुपये की रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। कार्रवाई की जा रही है, क्या कार्रवाई है? ये रिटायर्ड शिक्षक प्रसाद कोरी, ये हटा निवासी हैं। इनके रिटायरमेंट के बाद इनका पेंशन प्रकरण लंबित था यहाँ पर जिला शिक्षक अधिकारी कार्यालय में। जो अभिषेक जैन यहाँ पर पदस्थ हैं, बाबू का काम देख वो उनको डील कर रहे थे, तो पेंशन प्रकरण निपटाने और पेंशन चालू करने के एवज में इन्होंने 5000 रुपये की डिमांड की थी। उसी तारतम्य इनको आज 5000 रुपये लेते पकड़ा गया। एक ही किसकी मांग की थी कि और भी कुछ नहीं? बस आप जो पेंशन प्रकरण को चालू करने के वजह 5000 रुपये की मांग की गई थी इनके द्वारा। सर आपका नाम और? मैं निरीक्षक अभिषेक वर्मा, लोकायुक्त सागर। लोकायुक्त में कब शिकायत हुई थी? लोकायुक्त में शिकायत इनकी दिनांक 28 को हुई थी, उसके बाद उसको सत्यापन किया हमने बराबर प्रॉपर। बीच में किसी कारणवश बीमार थे तो आ नहीं पाए थे, फिर आज उनसे पुनः बातचीत कराई तो उन्होंने आज पैसे लिया। सर आगे क्या कार्रवाई हुई? 30 नवंबर 2022 को रिटायर हुआ था शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला रोहाली से। उसके बाद हमने संपर्क किया संदीप कुमार असाठी से, तो उन्हें बोला कि ये काम अभिषेक कुमार जैन देखते हैं, जो पैसा लगेगा वो कितना लग जाएगा? कहने लगे 15000 लगेगा। हम यार 15000 तो मेरे पास है ही, कहाँ से ला के देंगे? तो फिर कई बार आया, कई बार घुमाया, फिर लास्ट में बात हुई कि अब 60% तो आपका जमा हो ही गया है, तो उसमें से आप में 5000 का दे देना। ठीक है सर, इंतजाम हो जाएगा, हम दे देंगे। अभी हम दो बार और हो गए, तो उन्होंने बोला असाठी से मिल लेना, फिर बोला गुरजीत अग्रवाल से मिलना, फिर उसके यहाँ भी गए, उन्होंने कहा कि नहीं भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, अभी से जैन से ही मिल रहा, वही करते सारा काम। तो सर मैंने संपर्क किया, सर मैं आ जा गया। आपने शिकायत? अब हम तो समझदार हैं सर के लास्ट में करना क्या था, तो लोकायुक्त चले गए, इतना तो हम सब जानते ही हैं। आज संपर्क हुआ हमारा तो बोले ठीक है, कहाँ हो? हमने कि हम आप आ गए। हमने कि सर आप हमें घुमाओ फिराओ और आप पैसे भेजो, 5000 रुपये हम लाए हैं, गजे ही हैं। मैंने ठीक है आप वहीं मिलना, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं वहाँ पर 3 सेट में जाके बैठ गया, कहने लगे 1 नंबर गेट पर मिल जा रहा। तो फिर उनका दोबारा फोन आया, कहाँ पर हो? हमने 3 सेट में बैठे, कहने मैंने बोला था कि गेट पर आ जाओ, तो लाल गाड़ी में थे वो, तो उन्हें लाल गाड़ी में हमें बैठा लिया और हमारे कागज देखने लगे, क्या कह जाए हो, कहले इसमें आ रहे तुम्हारी फोटो कापी नहीं है, बैंक पास हो और पैसे लाए हो इसमें रख दो दराज में बाज में, तो मैंने दराज में पैसे डाल दिए। और फोटो कापी कराने गए थे सर, इतने में सारे लोग इकट्ठे हो गए, पकड़ लिया। क्या नाम? लक्ष्मी प्रसाद को। 8 माह हो गए सर, 9वां महीना चल रहा हूँ किराए के मकान में रहे।